दौरान 3 से 4 महीने में आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, किन बदलाव से आप जान सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है, इन बातों में सच्चाई होती है। मेरी भी प्रेगनेंसी में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स थे जो मैच किए थे बॉय के टाइम पे, बहुत सारे ऐसे भी सिम्टम्स थे जो गर्ल के टाइम पे मैच किए थे, और मुझे पहले से थोड़ा मतलब मुझे अंदाज़ा था कि हाँ शायद मुझे बॉय हो सकता है बॉय के टाइम पे, गर्ल के टाइम पे मुझे ऐसा लगता था शायद मुझे लड़की हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो हमारे, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं ना तो हमारे अगल बगल के लोग बहुत सब अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं, सब सब अंदाज़ा लगाने लगते हैं, अच्छा तुम्हारा पेट ऐसे निकला है, तुमको मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा गोलू मोलू हो गया, तो बहुत सारे लोग अपना अपना, जो खासकर जो पुराने लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगाते हैं, और कई बार ये अंदाज़ा सही भी होते हैं। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेगनेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट हुई थी। मैं कहीं भी फ़ोटो भेजती थी या फिर मेरे जो घर वाले ससुराल वाले लोग हैं वो हमेशा देखते थे, बोलते थे कि तुम्हारा पेट बिल्कुल लंबे आकार में है। जब मैं तीसरी तिमाही में जब पहुंची थी तो मेरे ससुराल से कुछ लोग आए हुए थे, तो वो बोल रहे थे कि मतलब मेरे अपने ही हैं वो लोग भी, तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं है, लड़की के टाइम पे तुम पूरी मोटी हो गई थी लेकिन इस टाइम पे तुम्हारे पीछे से कुछ भी नहीं है, आगे जो है वो है, हो सकता है कि तुमको लड़का होगा। और मेरे जो जहाँ पे मैं फ़ोटोज़ भेजती थी वो लोग भी बोलते थे कि हाँ तुम्हारा पेट आगे की तरफ है, तो लड़के का पेट इस टाइप का होता है। तो बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने बताया कि आप प्रेग्नेंट होते हैं तो सब अपना अपना अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि अच्छा तुम्हारा पेट ऐसे निकला है, तुम्हारी नाभि ऐसे निकली है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि लोग अपना अपना अंदाज़ा लगाने लगे। साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स होती है वो आप ही को होती है, आप प्रेगनेंसी में किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो मुझे दवाइयाँ खिला देगा, वो मुझे मेरी सास मेरी केयर कर देगी, मेरे घर वाले केयर कर देंगे, आपको अपने बच्चे की केयर, आपको अपनी केयर खुद ही करनी है। अगर आप अपनी केयर नहीं करते हैं, सारा सारा दिन काम कर रहे हैं, 1 घंटे का भी रेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो लास्ट में आपको बस आपका बच्चा ख़राब होना है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगा या फिर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको दिन भर में पूरा काम धाम छोड़कर 1 घंटे या फिर 2 घंटे का रेस्ट जरूर लेना है। आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा, आपको खुद को सोचना है अपने बारे में। और मैं बहुत इसी टाइप की लड़की हूँ कि मतलब मैं दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, मैं अपने बारे में नहीं, इसलिए मेरा फर्स्ट वाला मिसकैरेज हो गया था क्योंकि मैं सारा सारा दिन काम करती थी और मैं रेस्ट नहीं लेती थी। काम नहीं बोलेंगे, मेरा उस समय दुकान था तो मैं दुकान पर बैठती थी, जिसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ था। तो ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको इस टाइप का नहीं करना है। आपको डॉक्टर एकदम बोलते हैं कि आपको 1 से 2 घंटे का रेस्ट जरूर लेना है ताकि ब्लड का फ्लो, पानी का फ्लो बच्चे के पास उस टाइम पे बहुत अच्छी मात्रा में जाता है जब आप रेस्ट करते हैं तो, और जब आप एक्टिव रहते हैं तो उतना अच्छा से ब्लड फ्लो, पानी फ्लो नहीं हो पाता, और जब आप रेस्ट करने जाते हैं तो जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी ब्लड है, जो भी पानी है, सप्लाई बहुत अच्छी होता है क्योंकि आपका पैर बिल्कुल ऊंचा रहता है, और जब आपको बैठना भी है तो बिल्कुल अपने पैर को इस टाइप से, जैसे मैं अभी बैठी हूँ, पैर लटका के नहीं बैठना, सामने चेयर रखना है या फिर टेबल रखना है, उस टाइप से आपको बैठना, इस तरीके से बैठने से आपके बच्चे के पास ब्लड का फ्लो, पानी का फ्लो अच्छा होता है। आपके स्तनों में भी परिवर्तन आपको देखने मिल सकता है, आपके स्तनों का निप्पल बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा और आसपास के एरिया पे आप देखेंगे छोटे छोटे दाने होने लगेंगे, आपका एक स्तन बहुत ज़्यादा हैवी फील होगा, आपको भारी लगेगा, बहुत ज़्यादा खुजली आने लगती है, आपका अगर शरीर भी बढ़ रहा है, थाई के पास खुजली आने लगेगा, ये आर्म्स के पास खुजली आने लगेगा, सबसे ज़्यादा आपके पेट पेचिंग होता है क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में स्ट्रेच करता है, तो इस स्ट्रेच मार्क से बचने के लिए आप अपने
स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखें, चाहे वो आर्म्स का साइड हो, चाहे वो थाई का साइड हो, या फिर पेट का पोजीशन हो, इस सारे अपने शरीर में आपको ऑयलिंग करना है। जैसे ही आप नहा के आ रहे हैं तो अपने बॉडी में ऑयलिंग कीजिए, और बाहर के प्रोडक्ट पे मत जाइए, कोई वो नहीं कर रही, बायस नहीं हो रही, लेकिन बाहर के प्रोडक्ट मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा असर नहीं किए हैं। बायो ऑयल हो गया, ये हो गया, उसके बाद भी आपको होने ही है स्ट्रेच मार्क, तो जितना हो सके आप मॉइस्चराइज कर सके, मॉइस्चराइजर कम पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जल्दी आपको ड्राइनेस। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइव अपडेट डालती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।